सवा एक वचन हम लोग पढ़ते हैं, निर्गमन की पुस्तक 8 अध्याय और उसका 28 वचन। निर्गमन 8 अध्याय और 28 वचन, बाइबल की दूसरी पुस्तक निर्गमन 8 अध्याय और 28 वचन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। फिरौन ने कहा, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, केवल बहुत दूर न जाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अबलीस कहता है, शैतान कहता है, बहुत दूर ना जाना। अबलीस कहता है, मेरे राज्य से बहुत दूर ना जाना, मेरे राज्य से बहुत दूर ना जाना, मेरे अधिकार के नीचे ही रहो, मेरे अधिकार से दूर ना जाना। अबलीस कहता है, मुझसे दूर ना जाना। अबलीस कहता है कि लोग उसके अधीन बने रहें। अबलीस यानी कि शैतान, शैतान चाहता है कि लोग उसके अधीन बने रहें, शैतान चाहता है कि लोग उसके हाथ के नीचे रहें, उसके अधिकार के नीचे रहें। लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन में से यह समझना है कि हमें शैतान के साथ, हमें अबलीस के साथ कोई भी समझौता नहीं करना। हालेलुया, हमें अबलीस के साथ, शैतान के साथ कोई भी समझौता नहीं करना। आप अगर समझौता कर लेंगे शैतान के साथ, अच्छा ठीक है, हम लोग ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, तो वो तो यही चाहता है कि आप उसके अधीन बने रहें। अबलीस क्यों कह रहा हूं, यहां तो फिरौन लिखा हुआ है, आपको मालूम है फिरौन को हमेशा ही शैतान के प्रतीक के रूप में जो है वो प्रकट किया जाता रहा है, क्योंकि जो फिरौन है, फिरौन एक राजा का नाम नहीं है, बल्कि फिरौन एक गद्दी का नाम है। मिस्र के जो राजा होते थे उसके ऊपर जो भी विराजमान होता था राजा, उसे फिरौन कहा जाता था, फैरो, फिरौन कहा जाता था उसे, चाहे उसका नाम कोई भी होता था, जो भी होता था फिरौन होता था वो। हालेलुया। और उसका जो मुकुट था, फिरौन राजा का जो मुकुट होता था, उस मुकुट के ऊपर सांप बना हुआ था, और वो सांप जो मसीह लोग जो कहते हैं वो प्रतीक है शैतान का, अबलीस का, यानी कि शैतान का राज्य है जहां अबलीस का राज्य है। हालेलुया, हालेलुया, आप लोगों की आवाज आनी चाहिए मुझे। हालेलुया। तो वो उसका प्रति रूप है, एक प्रतीक है कि ये शैतान है, क्योंकि जो परमेश्वर की प्रजा थी, जो परमेश्वर के लोग थे, जो इब्री लोग थे, जो बाद में इजरायली बने, वो वहां पर गुलामी में थे, यानी कि लाखों लोग, 6 लाख तो पैदल चलने वाले ही थे, बच्चे वगैरह वो सब लोग अलग थे, तो वो सब के सब अधीन थे, फिरौन राजा के अधीन थे। एक तरफ वो परमेश्वर की कौम, परमेश्वर के लोग उस राजा के अधीन थे, और आज हम कहते हैं कि शैतान के अधीन थे लोग। दूसरी तरफ परमेश्वर ने यह निर्णय लिया कि मैं इन्हें इस गुलामी से छुड़ाऊंगा और आशीष की जगह पर कनान में ले जाऊंगा। हालेलुया। तब परमेश्वर ने जब उनके दुख को देखा, जब उनकी पीड़ा को देखा, जब उनकी परेशानियों को देखा, परमेश्वर ने तब निर्णय लिया, मैंने छुड़ाऊंगा यहां से, उस गुलामी से, उस मिस्र की गुलामी से, उस मिस्र के अधिकार से, फैरौन के अधिकार से, शैतान के अधिकार से आज कहूं तो परमेश्वर ने मूसा को चुना और परमेश्वर ने मूसा से कहा, जा और जाके फिरौन से बात कर और उसे कहे कि मेरे लोगों को जाने दे, ताकि वो यहोवा परमेश्वर की क्या करें, उपासना करने। हालेलुया। ताकि वो परमेश्वर की उपासना करें, ताकि परमेश्वर की आराधना करें। लेकिन यहां पर कई बातें होती हैं, वो सारी बातें आपको बताऊंगा। वो कह रहा है, अच्छा ठीक है, बाद में कहता है बहुत दूर ना जाना, लेकिन मूसा ने कहा, मना कर दिया उसकी बात को, उसके साथ मूसा ने कोई भी समझौता नहीं किया,
उसने बहुत सी बातें की जो मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूं, लेकिन आज की बात जो ये है कि मैं और आप लोग सब शैतान के दीन थे, उस फिरौन की तरह। पहले हम सब शैतान के दीन थे, दुष्ट आत्मा के दीन थे। परमेश्वर ने हमारे पीड़ा पर चित्त लगाया, परमेश्वर हमारे दुख पर चित्त लगाया, तब परमेश्वर ने निर्णय लिया कि इन्हें मैं क्या करूंगा, शैतान के अधिकार से बाहर निकालूंगा और कनान देश दूंगा, यानी कि आशय इन्हें दूंगा, स्वर्ग का राज्य इन्हें दूंगा मैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब परमेश्वर ने किसी ना किसी के द्वारा हमें शैतान के वश से निकाला, जैसे लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर ने हमें शैतान के वश से निकाला, अंधकार के राज्य से निकाला और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, बाइबल में लिखा है। ऐसे ही जैसे फिरौन के वश में से छुड़ाया था, तो परमेश्वर ने जब निर्णय लिया हमें वहां से निकालने का, तो वहां पर क्या स्थितियां परिस्थितियां होती हैं वो आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। निर्गमन 5 अध्याय और उसका 1 वचन को पढ़ेंगे हम लोग। निर्गमन 5 अध्याय 1 वचन। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। हाँ, तो मूसा और हारून जाकर कहते हैं, परमेश्वर ये कहते हैं कि मेरे लोगों को जाने दे कि वो जंगल में जाकर क्या करें, परमेश्वर की उपासना करें, यानी कि उसके अधिकार से वो बाहर निकलना चाह रहे थे, उसके अधिकार से परमेश्वर ने बाहर निकलना चाह रहा था। और ये मूसा और जो प्रजा थी, जितने लोग थे, वो सब के सब फिरौन के अधिकार से बाहर निकलकर परमेश्वर की उपासना करने के लिए और जाना चाह रहे थे। तब 2 वचन, 5 अध्याय 2 वचन, फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इसराइलियों को जाने दूं, मैं यहोवा को नहीं जानता। हाँ, तो वो कहता है, परमेश्वर कौन है, यहोवा कौन है, मैं नहीं जाने दूंगा, मैं इन्हें अपने अधिकार में ही रखूंगा, मैं इन्हें नहीं जाने दूंगा। कौन क्या कह रहा है, इसी देश में क्या करो, बलिदान कर लो, इसी देश में बलिदान करो, इसी देश में। यानी कि फिरौन ये कह रहा है, 8:25 हम लोग पढ़ रहे थे निर्गमन का, कि इसी देश में बलिदान करो, यानी कि मेरे दिन रहो। अच्छा ठीक है, अगर आप परमेश्वर को मानना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर की पूजा करना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर मसीह की आराधना करना चाहते हैं, तो ठीक है कर लो, लेकिन अधीन किसके रहो, मेरे अधीन बने रहो, मेरे अधीन बने रहो, मेरे अधीन बने रहो। आज भी जब आप लोग ये कोशिश करते हैं कि हमें शैतान के बंधन से बाहर निकलना है, तो शैतान पहले तो आपको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता कि इन्हें मैं छोड़ूंगा, अगर इन्हें मैं छोड़ दिया, इनके ऊपर तो मैं राज्य करता हूं, मेरा राज्य खत्म हो जाएगा। इसलिए शैतान छोड़ना नहीं चाह रहा, कहता नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। जब आप दबाव डालते, नहीं हमें परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाने हैं, हमें परमेश्वर की उपासना करनी है, हमें परमेश्वर मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है, हमें परमेश्वर मसीह की आराधना करनी है, हमें परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है, तब वो कहता है अच्छा ठीक है। शैतान कहता है अच्छा ठीक है, अगर आप उपासना करना चाहते हैं, अगर आप आराधना करना चाहते हैं, अगर आप बंदगी करना चाहते हैं, तो इसी देश में ही कर लो। फिर वो क्या कहता है, इसी देश में करो, इसी देश में करो बलिदान, जो भी करना है, जो भी आपको प्रार्थना आराधना जो कुछ भी आपको करना है, इसी देश में करो, इसी देश में करो। यानी कि उसको यह था कि अगर ये उपासना करेंगे भी, अगर ये बलिदान चढ़ाएंगे भी, अगर ये यहोवा परमेश्वर का नाम लेंगे भी, तो क्या होगा, इससे ज्यादा से ज्यादा क्या है, रहेंगे तो मेरे ही अधीन। आज कलीसिया के लोगों को, आज इस संसार के लोगों से भी ऐसे ही शैतान कहता है, शैतान कहता है, पहले तो कहता है मैं नहीं जाने दूंगा परमेश्वर की ओर, बहुत जोर लगाता वो,
अगर उसे लगता है कि नहीं इसके साथ बात नहीं बन पाई, ये निकलेगा, तो शैतान की दूसरी बात यह होती है कि मेरे अधीन रहकर ही ये आराधना करते रहें। किसके अधीन रहें? रहें तो मेरे अधीन, शैतान कहता है कि मेरे अधीन रहें, मेरे देश में बने रहें, यानी कि मेरा राज्य के नीचे रहें, आराधना करते तो कर रहे। आज बहुत से मसीह लोग ऐसे ही हैं, वो आराधना करते तो हैं लेकिन राज्य किसके में रहते हैं? फिरौन के राज्य में, शैतान के राज्य में, शैतान के देश में रहते हैं, शैतान के देश में, यानी कि उनके ऊपर अधिकार किसका चलता है? शैतान का। फिरौन यही चाह रहा था, अच्छा बलिदान करना तो करो, बलिदान यानी कि आराधना करनी तो करो, पूजा करनी तो करो, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करनी तो करो, लेकिन अधिकार मेरे मेरा ही चलेगा। अगर वो वहां रहकर आराधना करते तो अधिकार किसका चलता? फिरौन का चलता। ऐसे ही अधिकार जो है शैतान अपना रखना चाहता है। बहुत से लोगों को मैं जानता हूं, बहुत से लोगों के बारे में जो मालूम है, वो लोग आराधना तो करते हैं, परमेश्वर मसीह, परमेश्वर मसीह, परमेश्वर मसीह कहते हैं, लेकिन अधिकार उनके ऊपर किसका है? परमेश्वर का अधिकार नहीं है। परमेश्वर का अधिकार तब होगा जब वो कनान में जाएंगे। अभी भी वो मिस्र की गुलामी में हैं, अभी भी शैतान के अधिकार के नीचे हैं। उनके ऊपर नियम किसके लागू होते हैं? जिसका जिसके अधिकार के नीचे वो नियम किसके लागू होते हैं? शैतान के नियम लागू होते हैं उनका। शैतान उन्हें कहता है ऐसा करो, 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 तो वो वैसा ही करते हैं, वैसे ही करते हैं। एक तरफ वो पूजा करते हैं परमेश्वर मसीह की, दूसरी तरफ क्योंकि वो उसके अधीन हैं, क्योंकि वो उसके राज्य में हैं, उसके राज्य से, शैतान के राज्य से बाहर नहीं निकले, इसलिए वो अपना अधिकार चलाता है उनके ऊपर। बहुत से मसीह लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर अधिकार चलाता है शैतान, क्योंकि उन्होंने समझौता कर लिया। अगर मूसा समझौता कर लेता, अच्छा ठीक है आपने हमें छुट्टी दे दी है कि हम परमेश्वर को आराधना करें, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का धन्यवाद गाएं इसी देश में रहकर, अच्छा ठीक हम इसी देश में रहकर क्या करते हैं, धन्यवाद दे लेते हैं, परमेश्वर को बलिदान चढ़ा लेते हैं, परमेश्वर की पूजा कर लेते हैं, तो क्या होता? किसके राज्य में वो रहते हैं? फिरौन के राज्य में रहते हैं, वहीं के वहीं रह जाते हैं, वहीं के वहीं रह जाते वो। और शैतान, अब फिरौन तो यही चाहता था कि मेरे दीन रहेंगे, जैसे मैं मर्जी इनके ऊपर नियम लागू करूंगा वैसा ये करते रहेंगे, अगर पूजा करते भी है बीच में यहोवा परमेश्वर की तो करते रहें। ऐसे ही शैतान ये चाहता है कि अगर ये पूजा पर विश्व मसीह की करते हैं तो करते रहें, लेकिन रहें तो मेरे हाथ के नीचे, ठीक है बीच बीच में पूजा तो पर विश्व मसीह भी कर ले, लेकिन रहे मेरे अधिकार के नीचे, तो रहे मेरे नीचे ही, यही वो चाहता है, यही वो चाहता है। लेकिन मूसा ने क्या कहा? मूसा ने उसके साथ समझौता नहीं किया, अच्छा ठीक है आपने इतनी को हमें सहमति दे दी इसके लिए आपका धन्यवाद। उसने कहा नहीं, मूसा ने कहा नहीं, हम तो यहां से बाहर निकलेंगे, हम तेरे राज्य से बाहर निकलकर क्या करेंगे? परमेश्वर की उपासना करेंगे, हम तेरे राज्य से बाहर निकलकर परमेश्वर की उपासना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हम तेरे राज्य से बाहर निकलकर उपासना करेंगे, तेरे राज्य के अंदर नहीं। आज भी आपका यही निर्णय होना चाहिए कि हम परमेश्वर के राज्य में जाकर परमेश्वर की उपासना करेंगे, हम शैतान के राज्य के अंदर रहकर परमेश्वर की उपासना नहीं करेंगे, हम शैतान की दीनगी को स्वीकार नहीं करेंगे, हम शैतान के राज्य के नीचे नहीं रहेंगे जहां पर शैतान के नियम लागू होते हैं, अबलीस के नियम लागू होते हैं। उन्होंने कहा नहीं, अगर वो वही समझौता कर लेते तो कर लेते, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया। तब आठ अध्याय 28 वचन, निर्गमन 8 अध्याय 28 वचन, फिरौन ने कहा मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, केवल बहुत दूर न जाना। हालेलुया। जब उसके ऊपर दबाव डाला गया, जब उसके साथ समझौता नहीं किया गया, तो फिर उसने क्या कहा? अच्छा ठीक है आप क्या करो, जाओ।
जाकर क्या करो, उपासना करो। जंगल में जाना चाहते हो जाओ, दूर थोड़ा सा जाना चाहते हो यहां से अलग होकर थोड़ी सी आराधना करना चाहते करो, लेकिन वो कहता है बहुत दूर ना जाना। क्या कह रहा है? बहुत दूर ना जाना, क्योंकि अगर मान लो उसकी कोई जो बाउंड्री थी, एलओसी थी, लाइन ऑफ कंट्रोल उसके राज्य की, उसके थोड़ा सा बाहर भी जाते हैं तो फिरौन को मालूम था कि वहां से मैं फिर क्या कर लाऊंगा, फिर पकड़ कर अंदर ले आऊंगा। इसलिए उसने कहा बहुत दूर ना जाना, अगर मेरे राज्य से आप बाहर निकलते हैं तो आप निकलकर जैसे यहां राज्य है यहां से निकलिए और यहां हो जाइए कोई बात नहीं, थोड़ा सा अलग हो जाइए कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा दूर ना जाना। उसे मालूम था अगर मुझसे ज्यादा दूर चले गए तो फिर इन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। उसे ये मालूम था कि अगर बिल्कुल पास में रहेंगे तो फिर मैं इन्हें पकड़ूंगा और फिर अपने राज्य में ले आऊंगा इन्हें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो कहता है बहुत दूर ना जाना, लेकिन मूसा ने समझौता नहीं किया। मूसा कहता नहीं नहीं हम तो दूर ही जाएंगे, यहां लिखा है 3 दिन के मार्ग पर हमें जाना है। उस समय क्या होता था, आप जब भी पुराने नियम में पढ़ते हो वहां पर लिखा होता है 3 दिन की रास्ते पर वो जाकर उसे ढूंढने के लिए गए, यानी कि 3 दिन का जो रास्ता होता था वो निर्धारित किया जाता था। अगर किसी को ढूंढना है तो 3 दिन लगातार ढूंढने के लिए जाते थे और 3 दिन खत्म हो गए यहां से, वहां से वापस आ जाते थे, 3 दिन का सफर ऐसा। तो इन्हें मालूम था मूसा को कि अगर 3 दिन का जो एरिया है उसको हम पार कर गए तो हमेशा के लिए पार हो जाएंगे। और फिरौन को भी यह मालूम था कि अगर ये ज्यादा दूर चले गए, 3 दिन के मार्ग पर चले गए तो इनको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो कहता है अच्छा ठीक है, उपासना करो आप, लेकिन ज्यादा दूर ना जाना। ऐसे ही पहले तो आप लोगों को शैतान रखना चाहता है अपने कंट्रोल में। पहले तो कहता नहीं 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 प्रभु को नहीं मानना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपको निकलने नहीं देना चाह रहा। जब आप दबाव डालते हैं, परमेश्वर आपकी मदद करते हैं तो वो कहता अच्छा ठीक है, मेरे राज्य के अंदर रहो, मेरे राज्य के अंदर रहकर बलिदान करो ताकि आप आराधना करो प्रभु यीशु मसीह की, राज्य मेरा चले, अधिकार मेरा चले। जैसे मैं उंगलियों पर इन्हें कहूं नाचने के लिए वैसे नाचें। आज बहुत से मसीह लोग ऐसे हैं जैसे शैतान उन्हें कहता है वैसा वो करते हैं, क्योंकि वो शैतान के राज्य के अंदर हैं। नाम प्रभु यीशु मसीह का लेते हैं लेकिन राज्य शैतान के अंदर है, क्योंकि उन्होंने समझौता कर लिया अच्छा ठीक है अगर आप हमें प्रभु का नाम लेने के लिए इजाजत दे रहे हैं तो ठीक है, वो शैतान का अधिकार के नीचे रह जाते हैं। लेकिन मूसा की तरह हमें कहना है नहीं, हमें पूरी आजादी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर शैतान क्या कहता है, नहीं अच्छा ठीक है अगर आप निकलना ही चाहते हो तो ज्यादा दूर मत जाना, 3 दिन के रास्ते पर ना जाओ, मेरे राज्य से बाहर निकलकर 1 दिन के रास्ते पर चले जाओ कोई बात नहीं, क्योंकि उसे मालूम था यहां से फिर ले आऊंगा मैं। परमेश्वर शैतान से दूर जाने का मतलब है परमेश्वर के पास जाना, शैतान से दूर जाने का मतलब है परमेश्वर के पास जाना, शैतान से दूर जाने का मतलब है आशियों के पास जाना। वो जितना फिरौन से दूर हो रहे थे उतने ही कनान के पास जा रहे थे, और वो नहीं चाहता था कि ये दूर हो और इन्हें आशे मिले कनान देश वाली, जो आज इज़राइल है। हालेलुया। तो उसने कहा चल बहुत दूर ना जाना। तो आप जब हिम्मत रखते हो, आप प्रार्थना करते हो, आप आराधना करते हो और शैतान को आप हराने की कोशिश करते हो, कहते हो नहीं शैतान हम तेरी बात को नहीं मानेंगे, हमें तो तुझसे दूर जाना है और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। फिर उसकी अगली चाल क्या होती है, अच्छा ठीक है
तुम जाना चाहते हो दूर तो जाओ। वो क्या कहता है? निर्गमन 10 अध्याय 8 वचन से लेकर 11 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। 10 अध्याय 8 से लेकर 11 वचन तक। जब उनके ऊपर फिर और चार विपत्तियां आई, जब उसके ऊपर और दबाव डाला गया फिरौन के ऊपर, तो वो क्या कहता है? तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुलवाए गए और उसने उनसे कहा, चले जाओ अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो। जाओ अपने परमेश्वर यहोवा की क्या करो? उपासना करो। पहले क्या कहता था? मैं नहीं जानता कौन यहोवा परमेश्वर है। जब इन्होंने समझौता नहीं किया, इन्होंने कहा नहीं हमें पूरी रीति से बाहर निकलना है और परमेश्वर इनकी मदद कर रहा था, तब उसने कहा अच्छा ठीक है, जाओ अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो। परंतु वे जो जाने वाले हैं कौन कौन हैं? और पूछ रहा है अच्छा ठीक है उपासना करो जाकर आपने, लेकिन जाने वाला कौन कौन है, कौन कौन जाना चाह रहा है? हाँ? मूसा ने कहा हम तो बेटे बेटियों भेड़ बकरियों गाय बैलों समेत वरन बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबके सब जाएंगे। हालेलुया। उसने कहा जाने वाला, अच्छा ठीक है जाओ, अगर आप परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं जाओ, लेकिन जाने वाला कौन है? ये अंदर की बातें हैं शैतान की। जाने वाला कौन है? हाँ, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। उसने इस प्रकार उनसे कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे, यदि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता हूँ, देखो तुम्हारे मन में बुराई है, नहीं ऐसा नहीं होने पाएगा, तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो, तुम यही तो चाहते थे। हाँ, तो क्या कहने लगा वो? तुम क्या करो? पुरुष क्या करो? पुरुष, तुम पुरुष जाकर क्या करो? परमेश्वर की उपासना करो। आप इसकी गहराई को समझिएगा। वो क्या कह रहा है? अच्छा ठीक है, पहले तो कह रहा था मैं नहीं जाने दूंगा, फिर कहता अच्छा ठीक है अगर आपने पूजा करनी है परमेश्वर की तो मेरे राज्य के अंदर रहो। उसने कहा अच्छा ठीक है, अगर आप जाने चाह रहे तो थोड़ा सा ज्यादा दूर ना जाना, थोड़ा सा दूर जाओ जहां से फिर पकड़कर अंदर मैं इन्हें खींच लूं। फिर भी वो नहीं माने, तब उन्हें पूछा कौन जाएगा? उसने कहा बच्चे भी जाएंगे, बूढ़े भी जाएंगे, स्त्रियां भी जाएंगी, भेड़ बकरियां भी जाएंगी, पुरुष भी जाएंगे, हम सब जाएंगे परमेश्वर की उपासना करने के लिए। तब वो क्या कह रहा है? नहीं 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 नहीं, अगर आपने उपासना करनी है तो करो। कौन कौन जाओ? पुरुष पुरुष चले जाओ, यानी कि बच्चों को छोड़ दो, स्त्रियों को यहीं छोड़ जाओ, भेड़ बकरियों को यहीं छोड़ जाओ। वो क्या कह रहा था? भेड़ बकरियों बैलों को पशुओं को यहीं छोड़ जाओ, बच्चों को यहीं छोड़ जाओ, स्त्रियों को यहां छोड़ जाओ, तुम पुरुष पुरुष जाओ उपासना कराओ, मेरे 3 दिन के दूरी पर जाना जाओ। कितना शैतान है वो, कितनी दिमाग में शैतानी भरी हुई उसके। उसे मालूम था कि अगर ये 3 दिन के मार्ग पर भी चले जाएंगे, 4 दिन के मार्ग पर चले जाएंगे, 10 दिन के मार्ग पर चले जाएंगे, लौट कर कहां आएंगे? मेरे राज्य में। उसे मालूम था क्यों लौट कर आएंगे, क्योंकि उनके बच्चे वहीं थे, क्योंकि इनकी स्त्रियां वहीं थी। ऐसे ही शैतान चाहता है कि घर में पुरुष पुरुष चलो ठीक है, तुम पुरुष पुरुष आराधना करो, लोगों के अंदर मनों में बात यह डालता है। कई बार हमारे यहां आते हैं जो सीरियस बीमार होते हैं, वो क्या कहते हैं? ये जो है जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है, ये परमेश्वर मसीह का नाम ले लेगी, इसको हम बपतिस्मा दिला देंगे, और हम तो जो अपना करते हैं पूजा पाठ वही करेंगे। अगर कोई सीरियस बीमार होता तो भी कहेंगे हाँ ये चंगा हो जाए, इसको हम परमेश्वर का नाम दिला देंगे। कितना एहसान करते हैं, इसको हम परमेश्वर का नाम दिला देंगे, ऐसा करते हैं, इसको हम परमेश्वर मसीह का नाम दिला देंगे और हम तो वहीं रहेंगे। यही तो शैतान की चाल है। वो कहता है पुरुष पुरुष आराधना करे आओ, उन्हें मालूम है एक ना एक दिन क्या करेंगे,
अपनी स्त्रियों के लिए उनके पास आएंगे, अपने बच्चों के लिए उनके पास आ जाएंगे। मैंने देखा है बहुत से ऐसे घरों को जिनों के या तो पति जो थे वो आराधना करते थे परमेश्वर की, लेकिन पत्नियां और बच्चे नहीं करते थे। तो वो भी बेचारे कई ऐसे हुए जो पीछे आ गए अपनी पत्नी के, अपने बच्चों के पास आ गए वापस, यानी कि वही पूजा पाठ, वही सब कुछ, मूर्ति पूजा, पशु पूजा, पेड़ पूजा, जो कुछ परमेश्वर ने बनाया उनकी पूजा करने के लिए वापस लौट आए। क्यों? क्योंकि वो फिरौन के अधीन थे उनके बच्चे, और वो भी वापस उनके अधीन फिरौन के अधीन आ गए। जहां आजकल क्या है, आजकल ये चल रहा है, फिरौन कहता ठीक है तुम स्त्रियां स्त्रियां जाओ, घरों में भी प्रार्थना के दिन भी ऐसा होता है। आजकल तो चर्च बंद है, लॉकडाउन है, लेकिन क्या कहेंगे, तुम जाओ, है ना? कुछ लोग अपनी पत्नी से कहेंगे तुम जाओ बंदगी पे, हम क्या करेंगे जाकर। आप सोचो कौन बोल रहा उस समय, फिरौन बोल रहा उसके अंदर, तुम जाओ हम क्या करेंगे, बच्चे घर पर हैं, हम भी घर पर हैं, हम घर पर सब लोग रहते हैं, तुम जाओ प्रार्थना कराओ, ऐतवार का दिन है, आज आराधना का दिन है, तुम जाओ आराधना कराओ, बंदगी 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 पे जाना, अच्छा ठीक है तुम जाओ बंदगी पे, हम तो घर पे रहती हैं। कई औरतें कहती हैं, कई आदमी कहते हैं हम घर पर रहते हैं, तुम जाओ प्रार्थना करो, हम क्या करेंगे, हम तो काम पे जा रहे हैं। ये फिरौन की आवाज है, ये फिरौन उनके अंदर बोल रहा, शैतान बोल रहा उनके अंदर। पहले तो बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाह रहा था, अब जब आपने दबाव डाला उसने कहा ठीक है तुम जाओ, तुम जाओ, मैं तो यहीं पर ही हूं, उसको वहीं रख लेते हैं, जहां आपके पति को, जहां जिसकी पत्नी है पत्नी को, किसी न किसी को वो अपने पास रखते हैं, जहां उसके बच्चे को वहां रख लेते हैं, क्योंकि उसे मालूम है लौटकर फिर वहीं आएंगे। तो वो कहता है तुम पुरुष पुरुष जाकर क्या करो, उपासना करो। तब फिरौन के ऊपर एक विपत्ति और आ गई, पहले चार फिर चार एक और आ गई, नौ नौमी, जब उसके ऊपर विपत्ति आई, यानी कि मूसा ने समझौता नहीं किया। अगर मूसा कहता अच्छा ठीक है फिरौन आपका धन्यवाद, आपने हमें इजाजत दे दी है, हम पुरुष पुरुष जाते हैं और पुरुष पुरुष जाकर क्या करेंगे, परमेश्वर की उपासना कर लेते हैं, पुरुष पुरुष जाकर उपासना कर लेते हैं, लेकिन वो लौटकर फिरौन के राज्य में लौटकर आते हैं। लेकिन उसने कहा नहीं, हम बच्चे भी जाएंगे, बूढ़े भी जाएंगे, हमारे पशु भी जाएंगे, औरतें भी जाएंगी, हम सब जाएंगे। तो उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा। तब फिर जब उसके ऊपर एक विपत्ति आई, यानी कि परमेश्वर ने उसके ऊपर दबाव डाला, मूसा ने जिद की, उन्होंने कहा नहीं हम तो पूरे को पूरा जाना है। तब वो क्या कहता है, निर्गमन 10:24। तब फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा तुम लोग जाओ यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ। हाँ, तो क्या कह रहा है फिरौन, अच्छा ठीक है तुम लोग जाओ, क्या करो यहोवा की उपासना करो, ठीक है तुम जाओ, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेना तो ले लो, तुम जाओ और अपने बालकों को भी साथ ले जाओ। हाँ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। क्या कह रहा है, ठीक है बालकों को ले जाओ, मतलब आप जाओ अपने बूढ़ों को ले जाओ साथ, अपनी औरतों को साथ ले जाओ, अपने बच्चों को साथ ले जाओ, सब जाओ, कोई बात नहीं जाओ। जब मूसा ने समझौता नहीं किया तो उसने कहा सब जाओ ले जाओ सबको, लेकिन क्या छोड़ जाओ, अपनी भेड़ अपनी बकरियां अपनी गाय अपने बैल अपने पशुओं को मेरे पास छोड़ जाओ। क्योंकि उसे मालूम था कि इनकी धन संपत्ति जो कुछ है, इनका बिजनेस जो इनका काम धंधा है, क्योंकि वो पशु पालते थे, इसराइली जो थे पशु पालक थे, उनको उनके पास बहुत से पशु होते थे, क्योंकि उनका काम यही था। तो क्या किया, वो कह रहा है फिरौन ने सोचा ठीक है अगर जिद करते हैं तो इनको इन्हें जाने देता हूं, जाओ जाओ कहता है, लेकिन क्या छोड़ जाओ, भेड़ बकरी वगैरह छोड़ जाओ। उसे मालूम था कि ये इनका बिजनेस तो यहीं पर है, इनका धन तो यहीं पर है, इनकी धन संपत्ति का जो सिस्टम है वो तो यहीं है, तो ये कहीं भी जाएं फिर क्या हो जाएगा, लौट कर मेरे पास ही आएंगे।
लौटकर मेरे पास ही आएंगे। वो यह सोच रहा था, लौटेंगे तो मेरे पास ही, अपनी भेड़ बकरी अपनी जायदाद इनकी तो यहीं पड़ी हुई है, यह तो मेरे अधीन है। ऐसे ही परमेश्वर के लोगों, शैतान की यह इच्छा होती है, जब आप समझौता नहीं करते, जब आप कहते नहीं, जिसका पति है और वो उसकी पत्नी जो है वो कहती है नहीं मेरा पति भी आराधना के लिए जाएगा, मेरा पति भी परमेश्वर की आराधना करेगा, मेरे बच्चे भी परमेश्वर की आराधना करेंगे, हमारे जो बूढ़े हैं वो भी परमेश्वर की आराधना करेंगे, हम सब परमेश्वर की आराधना करेंगे। तो शैतान कहता अच्छा ठीक है, नहीं मान रहे तो ठीक है, सब कर लो आराधना, लेकिन आपका जो बिजनेस है, जो आपका धन है, जो आपकी संपत्ति है, जो आपकी जायदाद है, उससे तो मेरे अधीन रहने दो। और बहुत से लोग समझौता करते हैं, बहुत से लोग कह देते हैं, मसीह लोगों की बात करते हैं, बहुत से लोग मसीह कह देते हैं अच्छा ठीक है, हमारी भेड़ बकरियां गाय बैल हमारा बिजनेस हमारा धन हमारी संपत्ति हमारी जायदाद ले तेरे पास मैं छोड़ दी, हम सब परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाते हैं और सब प्रभु का नाम लेने शुरू कर देते हैं। लेकिन शैतान को मालूम है, परमेश्वर मसीह जी ने की कहा, क्या कहा था, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है, यहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। तो प्रभु यीशु मसीह जी कह रहे हैं, यह बात फिरौन भी जानता था कि यहां इनका धन है वहां इनका मन रहेगा, यहां इनका धन है वहां इनका मन रहेगा, ये फिर दूर भी चले जाएं लेकिन इनका मन कहां रहेगा, जहां इनका धन है उस पैसे में मन लगा रहेगा। लेकिन मूसा ने कहा नहीं, हम इस बात पर भी समझौता नहीं करेंगे। पढ़ना 10:26 निर्गमन 10:26। मूसा ने कहा तुमको हमारे साथ मेल बलि और होम बलि के लिए पशु भी देने पड़ेंगे जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाएं, इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे। फिर से पढ़ 10:24 से पढ़ दे 24, 25 और 26। तब फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा तुम लोग जाओ यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपने भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। हाँ। मूसा ने कहा तुमको हमारे हाथ मेल बलि और होम बलि के लिए पशु भी देने पड़ेंगे। हाँ, हमारे हाथ में तो पशु भी देने पड़ेंगे जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाएं, इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक खुर तक न रह जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामान लेना होगा। हालेलुया। वो कहते नहीं, धन तेरे अधीन नहीं छोड़ेंगे, धन तेरे राज्य में नहीं छोड़ेंगे, हमारे पशुओं का एक खुर यानी कि एक पैर भी नहीं रहने यहां नहीं छोड़ेंगे, सब के सब लेकर जाएंगे, क्योंकि इसी धन में से इन्हीं पशुओं में से हमें परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाना है, इसलिए ये पशु ये धन ये सब हम लेकर जाएंगे क्योंकि इसी में से हमें बलिदान चढ़ाना है। हम सब लेकर जाएंगे। तो ये शैतान की चाल होती है, वो पहले कहता मैं नहीं जाने दूंगा परमेश्वर मसीह के राज्य में, फिर अपने जब जिद करते नहीं नहीं हम तो मानेंगे प्रभु यीशु मसीह को मानेंगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर काम कर रहा होता है, फिर वो कहता जो ठीक है जाना है तो उपासना कर लो, लेकर रहो मेरे राज्य के, मेरे अधीन रहो, मेरे राज्य में रहो, तो लोग कई मान जाते हैं। मैंने देखा है शैतान के अधीन, वो शैतान के राज्य में रहते हैं, यानी कि शैतान की आज्ञा उस पर उन पर चलती है, जैसे शैतान कहता वैसे वो काम करते हैं, लेकिन वो उपासना पर विश्व मसीह की भी करते हैं। फिर वो ऐसा वो कहने लगा, फिर जब उन्होंने समझौता नहीं किया, जब आप लोग कहते नहीं हमें तो पूरा पूरा प्रभु यीशु मसीह की उपासना करनी है, तो वो कहता है ठीक है आदमी आदमी कर लो, औरतें औरतें कर लो, या तो औरतों से कहेगा औरतें औरतें प्रभु की उपासना करो, या आदमी से कहेगा आदमी आदमी कर लो, बच्चों बच्चों को रहने दो, ताकि फिर ये वापस मेरे पास एक ना एक दिन लौट आए, 6 साल बाद 10 साल बाद 20 सालों के बाद, ये भी उसकी लंबी होती है योजना, भी एक ना एक दिन तो ये
इनके अंदर फिर वो दोबारा फिर वो सिस्टम चालू हो जाएगा जो पहले ये करते थे। फिर वो ये चाहता है, जब अपने कहते नहीं नहीं हम तो सारे जाएंगे आराधना के लिए, वो कहता अच्छा ठीक है जाओ सारे आराधना कर लो, लेकिन अपनी धन संपत्ति मेरे पास रहने दो। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी धन, जो अपनी संपत्ति को, जो अपने बिजनेस को शैतान के अधीन रहने देते हैं। कैसे शैतान के अधीन रहने देते हैं? मूसा ने कहा इसी भेड़ बकरियों से, इसी हमारे बिजनेस से, इसी हमारी जायदाद में से हमें परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना है। हालेलुया। इसी में से हमें परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना है। उसमें से जब वो परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते हैं तो वो क्या होता है? परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं। ऐसे ही जब आप अपने बिजनेस में से, ऐसे ही जब आप अपनी जायदाद में से परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना शुरू कर देते हैं तो समझो आपका बिजनेस परमेश्वर के अधीन है। आपका बिजनेस, आपका धन, आपकी संपत्ति, आपकी जॉब, आपकी नौकरी, आपका काम धंधा परमेश्वर के अधीन है, तभी तो आप उसमें से बलिदान चढ़ाएंगे। लेकिन जो लोग, आप देखो अगर उनकी भेड़ बकरियां पशु किसके पास रह जाते? फिरौन के पास रह जाते। अगर उसके फिरौन के पास रह जाते, आप मुझे यह बताओ तो वो बलिदान कैसे चढ़ाते? परमेश्वर को बलिदान क्या चढ़ाते? क्योंकि उनका सब कुछ पैसा धन तो वही था, उसके दीन था। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ लोग ऐसे हैं परमेश्वर मसीह की उपासना करने वाले हैं, लेकिन ऐसे हैं कि उन्होंने क्या किया हुआ है? अपना धन शैतान के अधीन रखा हुआ है, अपने पशु, अपना पैसा, अपनी नौकरी, अपनी जॉब शैतान के अधीन रखी हुई है। इसलिए तो वो बलिदान नहीं चढ़ाते। अगर उनके पास हो, अगर वो परमेश्वर के राज्य में हो तो उसमें से वो परमेश्वर को बलिदान चढ़ाएं। वो लोग ना दशमांश कर निकालते हैं, ना उत्तम भेंटे बलिदान चढ़ाते हैं परमेश्वर को। और जो ऐसा नहीं करते, इसका मतलब उनकी धन संपत्ति सब अभी तक शैतान ने अपने दीन रखी हुई है। वो जरूर करते हैं आराधना, लेकिन मूसा ने कहा नहीं, हम तो एक पशु का पैर तक नहीं यहां रहने देंगे, हम सब कुछ लेकर ही जाएंगे। तब परमेश्वर ने उन पर अंतिम विपत्ति डाली, जब दबाव डाला। 12 अध्याय, निर्गमन 12 अध्याय, 31 और 32 वचन को पढ़ेंगे। तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम इज़राइलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। हाँ, जाओ निकलो और जाकर परमेश्वर की उपासना करो, अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को साथ ले जाओ। साथ ले जाओ, क्या करो? साथ ले जाओ, जाओ सब कुछ ले जाओ और निकल जाओ, जाओ सब कुछ ले जाओ और मेरे राज्य से निकल जाओ। जब आप समझौता नहीं करते तो अंत शैतान को सब कुछ छोड़ना पड़ता है। वो आपके धन को छोड़ेगा, आपके परिवार को छोड़ देगा, आपके बच्चों को, आपके घर में रहने वाले बूढ़ों को, कोई आदमी को, पुरुष चाहे औरत है, सबको शैतान छोड़ देगा। अच्छा ठीक है जाओ फिर। लेकिन अगर आप ने जहां पर उसके साथ समझौता कर लिया, अच्छा ठीक है इतना ही बहुत है, तो वह उतना ही हो जाएगा। कभी भी समझौता ना करें, कहें शैतान के कुछ भी दीन रहने ना दें, कुछ भी दीन ना रहने दें, कुछ भी दीन रहने ना दें। बहुत से क्या करता हो, बहुत से लोगों से कहेगा अच्छा ठीक है आप उपासना करना चाहते हो परमेश्वर से की करो, चर्च जाना चाहते हो जाओ, आराधना करना चाहते हो करो, लेकिन अपनी जीभ जो है वो क्या दे जाओ, मुझे दे जाओ, मेरे पास छोड़ जाओ। क्या छोड़ जाओ? अपनी जीभ। शैतान क्या कहेगा? अपनी जीभ मेरे पास छोड़ जाओ। क्योंकि जब शैतान
कि अब वो क्या है, शैतान यह चाहता है जीव को मेरे पास छोड़ जाए। आप मान लो जो चर्च में बैठे हैं, ऑनलाइन भी हैं, लेकिन जो चर्च में बैठे उनकी बात करता हूं। अब मान लो शैतान ने कहा, आपने कहा नहीं हमें तो उपासना के लिए जाना है, तो शैतान ने कहा अच्छा ठीक है जाओ चर्च में, जाओ जाकर उपासना करो, लेकिन जीव मेरे पास छोड़ जाओ। तो आप में से कितने ही लोग क्या हैं, जीव उसके पास छोड़ कर आए हुए हैं। किसके पास? शैतान के पास। आपकी जीव शैतान के पास है, यानी कि उसके राज्य में है, यानी कि उसके कंट्रोल में है। उसने कहा इसको तो छोड़ जाओ, अच्छा ठीक है जाओ उपासना करो चर्च में। इसलिए तो आप हालेलुया नहीं कहते। क्यों? क्योंकि जीव तो आपके पास है नहीं है, जीव तो उसके पास है, जीव तो उसके दीन है, तो कैसे हालेलुया कहेंगे? हालेलुया तो तभी बोलेंगे जब अंदर जीव होगी, तो जीव नहीं है। फिर कई बार जीव को भी छोड़ देता है, और कई बार तो बहुत कुछ वो रख लेता है। कई बार कहेगा ऐसा करो अपने हाथ यहां छोड़ जाओ, अपना धन ले जाओ, आप जाओ जाके परमेश्वर की उपासना करो। जब आप कहते नहीं हमें तो उपासना करनी है, तो वो क्या कहता है, ठीक है अपने हाथ छोड़ जाओ। तो वो आप क्या कहते हैं, कई लोग सभी नहीं, आप कहते अच्छा ठीक है हाथ छोड़ देता हूं आपके पास, और चर्च में आते हैं, हालेलुया भी गाते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, लेकिन हाथों को नहीं लाते, ताली नहीं बजाते, हाथ नहीं लाते, हाथों से परमेश्वर की महिमा नहीं करते। जब गीत गा रहे होते हैं, आराधना कर रहे होते हैं, हाथों से ताली भी नहीं बजाते, हाथों को हिलाते नहीं है। क्यों नहीं हाथों को हिलाते? हिलाएंगे भी कैसे? हाथ तो शैतान के पास छोड़कर आ गए हैं। अब कोई भी व्यक्ति आप में से अपने हाथों को शैतान के पास छोड़ाया है, तो ताली कैसे बजाएगा? नहीं बजा सकेगा। आप जितनी भी कोशिश करो, जितनी भी कोशिश करो, आप लोग भी जो चर्च के अंदर हो, जितनी भी आप कोशिश करो, आप ताली नहीं बजा सकोगे। क्यों? क्योंकि आपके हाथ तो उसने रख लिए। आप हालेलुया मुंह से नहीं बोल सकोगे, क्योंकि आपकी जुबान तो उसने रख ली, आपकी जीभ तो उसने रख ली है अपने पास। आपको भेज दिया, अच्छा ठीक है जाओ कोई बात नहीं। और फिर कई लोगों के साथ क्या करता, वो उन्हें कहता अच्छा ठीक है, आप कहते नहीं नहीं हम तो जीभ लेकर जाएंगे, क्योंकि वहां क्या बोलना है, हालेलुया बोलना है, आराधना करनी है। वो कहता अच्छा ठीक है ले जाओ। फिर वो क्या कहता है, अच्छा ऐसा है हाथ छोड़ जाओ। आप कहते नहीं नहीं पास्टर जी ने सिखाया है हमें हाथ नहीं छोड़ने, हाथ साथ लेकर जाने हैं, क्योंकि हमें क्या करना, वहां पर जाकर ताली बजानी है। तो वो क्या कहता है, अच्छा ऐसा है हाथ ले जाओ, लेकिन ऐसे एक काम करो, अपना माइंड जो है, माइंड यानी कि आपका मन, आपके मन को तो मेरे पास छोड़ ही जाओ ना। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना मन उसके पास छोड़ आते हैं, अच्छा ठीक अपने पास रख, क्योंकि चर्च में बैठे हुए का भी आपका मन परमेश्वर के साथ नहीं है। चर्च में बैठे हुए भी आपका मन परमेश्वर के वचन में नहीं है। आपका मन इधर घूम रहा है, आपका मन उधर घूम रहा है, आपका माइंड उधर चल रहा है, आपके माइंड में पता नहीं क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ घूम रहा है। इसका मतलब क्या है, आपका मन यहां पर नहीं है। अगर आपका मन यहां पर नहीं है, तो इसका मतलब आप उसके पास छोड़ कर आए हो, शैतान के पास उस मन को, ताकि आप हो तो यहां लेकिन आपका मन यहां नहीं है। आप हो तो चर्च में लेकिन आपका मन चर्च में नहीं है। आप हो तो यहां, आप सुन तो रहे हो, लेकिन वचन आपके अंदर नहीं जा रहा। कुछ ना कुछ वो अपने पास रखने रखना चाहता है। ठीक है एक बकरी छोड़ जाओ, कुछ भी छोड़ के जाओ, कुछ तो छोड़ के जाओ मुझे। जब आप कहेंगे नहीं हम पूरे के पूरे जाना है, तो फिर वो आपको छोड़ देगा। हालेलुया हालेलुया, क्योंकि वो तो हारा हुआ है,
क्योंकि परमेश्वर आपको वहां से निकालना चाह रहा है, आप अपने राज्य में लेके आना चाह रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? आप पूरे का पूरे बाहर निकलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं। एक बार किसी ने, बहुत बड़ा घर था और वो घर किसी ने खरीदना था। जब वो घर खरीदने लगे तो आपने देखा होगा कई बार कुछ बात चीजों में क्या लिखा होता है, शर्तें लागू। छोटा सा स्टार बनाया होता है, छोटा सा स्टार बनाकर बड़ी बड़ी बातें ऊपर लिखी होती हैं, स्टार बनाकर लिखा होता है शर्तें लागू। आपने कार लेनी है, मोटरसाइकिल लेना है, आपको कहेंगे 999 ले आओ और ले जाओ, ऊपर स्टार लगा देंगे और लिख देंगे शर्तें लागू। और वहां जाते हैं फिर पता चलता है पता नहीं क्या कौन कौन सी शर्तें होती हैं। तो ऐसे ही उसने मकान जो था, जो खरीदने वाली बात हो गई, पैसे की बात हो गई, सब कुछ पूरा हो गया, उसने कहा ऐसा है मैं आपको दे देता हूं घर, मेरा मकान दे देता हूं। लेकिन वहां पर उसके घर में एक कील गड़ी हुई थी। कील समझते हैं, है ना, एक लोहे की कील, ऐसी टोपी वाली कील होती थी दीवार के अंदर, जिसे हम लोग पंजाबी में किल्ली भी कह देते थे, ऐसे कील गड़ी हुई थी। उसने कहा यह मकान मैं आपको भेज दूंगा और रजिस्ट्री के अंदर ये बात लिखो, शर्त लिखो कि ये कील जो है ये कील मेरी है। जिन्होंने मकान खरीदा था उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, ये कील तू ले ले। और वो ऐसे दीवार के अंदर कील ऐसे गड़ी हुई थी, जैसे अपने सामान लेकर आते हैं उसके ऊपर टांग देते हैं कील के ऊपर। उन्होंने कहा अच्छा ठीक, हमें क्या फर्क पड़ता है, कील तू, कील तेरी सही, ये कील तेरी है। उसके अंदर लिख दिया भी ये कील जो है इसकी है, इससे ये हमारा समझौता इस बात पर हो गया कि ये पूरा घर तो हमारा है लेकिन ये जो कील है ये कील इसकी है। अच्छा अब रजिस्ट्री होगी, सब बात होगी। 10 दिन हुए तो वो दोपहर में आराम से सो रहे थे घर के लोग, बेल बजी, वो आंखें मलते हुए उठे, देखा कौन, वो जिसका मकान था वो आया हुआ है। कैसे आए हो? पहले तो थोड़ा हंसकर बोले होंगे कैसे आए हो, क्या है? मैं कील देखने आया हूं मेरी। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है देख ले। आया और उसने ऐसे कील को ऐसे हिलाया, अच्छा ठीक है सही है, बैठो चाय पियो, ये वो गया वापस। 10 दिन बाद फिर आया, वो सोसा रहे थे दोपहर में, फिर घंटी खड़का रहा है। अब क्या हुआ? मैं कील देखने आया हूं मेरी कील। उसने कहा देख ले भाई। वो आया आकर कील देखी, सब परिवार को परेशान करके चला गया। शैतान की एक भी कील आपके जीवन में रहने ना दे। हालेलुया, नहीं तो शैतान ये चाहता है पूरे पूरे आजाद हो जो, मेरी एक कील अंदर रख लो। क्योंकि अगर आपने एक कील अपने अंदर रख ली तो वो बार बार आएगा उसे देखने के लिए, क्योंकि आपने समझौते में ये लिख दिया कि ये कील तेरी है, तू आ सकता है इसको चेक करने के लिए। तब एक दिन वो आया, फिर घंटी खड़काई, गेट खोला, अब क्या? कहता कील के पास जाना, मुझे तो आपसे तो कोई काम ही नहीं है। वो बहुत परेशान हुए। उसने क्या किया, क्योंकि वो ऐसे किल्ली जैसी होती है ऐसे दीवार में गड़ी थी, उसने एक लिफाफा में कुछ सामान बांधा और कील के ऊपर ऐसे टांग दिया। जब कील को ऊपर टांग दिया वो कहते भाई तू अपना सामान तो ले जा। वो कहता आपसे मेरा समझौता हुआ इस बात के लिए, ये कील मेरी है, इस कील के ऊपर तो मैं अपना लिफाफा टांग ही सकता हूं, इस कील के ऊपर तो मैं अपनी थैली टांगूंगा ही, आपको इसमें क्या परेशानी है? उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अब क्या करें, अब लिख पड़े में ऐसा लिखा गया है। लेकिन एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, 10 दिन बीते, वो क्या आने लगी,
बदबू उस थैली में से बदबू बाहर निकलने लगी, जिसके अंदर सामान था वो गल गया, बदबू आने लगी, बदबू आने लगी, बदबू आने लगी, यहां तक बदबू आने लगी पूरे घर में बदबूदार हो गया। उस कील के ऊपर जो टंगा हुआ था उसका असर उनकी रसोई में, उनके बेडरूम में, सब जगह पर फैल गया। ऐसे ही शैतान ये चाहता है कि मेरी एक कील इनके अंदर लगी रहे, ताकि जब भी वो आए और अपना प्रभाव वो आपके बेडरूम में, आपकी रसोई में, सब जगह पर वो फैला दे। छोटी सी गलती, छोटा सा समझौता, शैतान चलाक है। आपकी उम्र 60 साल होगी, 70 साल होगी, 80 साल होगी, आपका लोगों के साथ अनुभव कितना है? 50 साल। जितनी आपकी उम्र है उतना ही आपका लोगों के साथ अनुभव है, लेकिन शैतान का लोगों के साथ कितना अनुभव है? आदम से पहले से, पहले आदम के साथ, आदमी के साथ उसका अनुभव हुआ। अच्छा, आदमी ऐसे होते हैं, फंसा दिया उसे आदम को, आपको पता है, इतना पुराना अनुभव है वो, तो उसकी एक भी कील ना रहने दे। समझौता कर लेता, जितना समझौता कर लेता उतना ही उसे छुटकारा मिलता, उससे ज्यादा नहीं, बाकी सब कुछ फिरौन के पास रह जाता। ऐसे ही आप जितना समझौता करोगे उतना ही आपको मिलेगा, बाकी सब फिरौन के पास रह जाएगा, शैतान के दिन रह जाएगा। तो आप जब भी समझौता करें शैतान के साथ समझौता ना करें, कहें नहीं हमें तो पूरे के पूरे, पूरे के पूरे बाहर निकलना है। हालेलुया। एक अंतम वचन पढ़िएगा, लूका की इंजील 5:4, लूका की इंजील 5:4। लूका की इंजील 5:4। जब वे बातें कह चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल किस्ती को, गहरे में ले चल। यीशु मसीह ने क्या कहा? किस्ती को गहरे में ले चल। हाँ, और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल डाल, नहीं लिखा जाल डालो, एक जाल नहीं था, अपने जाल डालो, बहुवचन है, अपने जाल डालो। किस्ती के अंदर कई जाल होंगे, अपने जाल डालो, एक से अधिक जाल थे। अब तब उन्होंने जाल डाला, वो गहरे में गए, उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां हो गया कि उन्होंने दूसरे लोगों को बाहर बुलाया, जो बाहर खड़े थे, अपनी किस्ती लेके आओ, हमारी किस्ती में ज्यादा मछलियां हैं। दूसरी किस्ती भी भर गई और लिखा है किस्ती डूबने लगी, इतना भर चुकी थी वो। हालेलुया। उन्हें भी आशीष मिली, दूसरों की आशीष मिली, लेकिन परमेश्वर ने कहा किस्ती को गहरे में ले चल। अब जो किस्तियां, आप समुद्र किनारे गए होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहां पर किस्ती जो होती है आधी पानी में और आधी धरती पर, रेत पर होती है, आधी धरती पर होती है, आधी पानी में रखते हैं ताकि उसको धकेल का पानी में लेकर जाया जाए। लेकिन जो मैं बात आपसे कह रहा हूं, जब प्रवेश मशीन से बातें कर रहे थे तो किस्ती किनारे पर थी, पानी के अंदर थी, लेकिन लोगों, लोग क्या करते हैं, धरती पर एक खुंटा गाड़ देते हैं, पंजाबी में कहते हैं किल्ला, ठीक है, एक किल्ला गाड़ देते हैं, खुंटा गाड़ देते हैं धरती पर, और उसके साथ रस्सा बांधकर किस्ती के साथ बांध देते हैं। अब आप कितना भी चप्पू चलाओ, किस्ती को इधर उधर लेकर जाने की कोशिश करो, परमेश्वर कहते हैं गहरे में ले चल। आप मारते रहते हैं हाथ पार, मारते रहते हैं, मारते रहते हैं, गहरे में कैसे जाएगी? क्योंकि आपकी जो किस्ती है वो बंधी हुई है खूंटे के साथ, और खूंटा कहां गड़ा हुआ है? धरती पर, वो धरती पर है। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूं, गहरे में चलो,
लेकिन आपके जीवन बंधे हुए हैं खूंटे के साथ और खूंटा गड़ा हुआ है पुराने स्थान पर शैतान के राज्य में, शैतान के राज्य में। जब तक वहां से नहीं खुलेगा पूरी तरह से आप गहराई में नहीं जा सकेंगे। किनारे पर आप जितना चप्पू चलाएंगे चलाएंगे, रात को मान लो आप चला रहे हैं, वो वहां पहुंच गए, वहां पहुंच गए, वहां पहुंच गए, जब आप देखेंगे तो वहीं के वहीं रहेंगे। ऐसे बहुत से मसीह वहीं के वहीं हैं। क्यों वहीं के वहीं हैं? क्योंकि वो उनकी जो रस्सी है वो बंधी हुई है खूंटे के साथ और खूंटा गड़ा हुआ है शैतान के राज्य में। इसलिए कोई ब्लेसिंग नहीं, कोई मछलियां नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई आशीष नहीं है, ना उनके पास आशीष है ना वो दूसरों को आशीष दे सकते हैं। तो आपको उस खूंटे को उखाड़ फेंकना है जो शैतान के राज्य में गड़ा हुआ है आपका। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आपको शैतान का जो कील है उसे निकाल फेंकना है। हालेलुया। यानी कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि शैतान के अधीन आप कुछ भी ना रहने दें। अगर आपने कुछ भी शैतान के अधीन रखा तो वो फिर आएगा चेक करने के लिए, वो फिर आएगा। पर विश्व सिंह ने खुद कहा जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो क्या करती है? दोबारा आती है, कहती है मैं उसी अपने घर में चलती हूं। किस घर में? अपने घर में, जिस जहां से मुझे निकाला गया था, अपने घर में। दुष्ट आत्मा क्या बोलती है? मैं अपने घर में चलती हूं, अपने घर में। वो ये नहीं कहती चलो मैं चलती हूं उसके घर में चलती हूं, ऐसा नहीं कहता है। वहां लिखा, वहां ये लिखा हुआ है, दुष्ट आत्मा कहती है मैं अपने घर में चलती हूं। बताओ, उसे अपना घर बनाकर बैठी हुई है वो, मैं तो अपने घर में चलती हूं। जब वहां जाती है वहां कील नहीं गड़ा हुआ, वापस लौट आती है। यहां तो मेरे लिए जगह नहीं है, यहां तो मेरे लिए स्थान नहीं है, और हमेशा के लिए से छोड़ जाती है। अगर उसे कील गड़ा हुआ मिल जाए तो वो क्या करती है? और साथ दुष्ट आत्मा को ले आती है, 7 के 70 गुना भी हो सकता है, दुष्ट आत्मा को ले आती है और वो उस कील के ऊपर बैठ जाती है पूरे घर को बदबूदार करने के लिए। आप कभी भी शैतान के साथ समझौता ना करें, पूरी तरह से हमें आजाद होना है। जैसे वचन कहता है हमें उसके राज्य से बाहर निकलना है और परमेश्वर के राज्य में आना है। हालेलुया, 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 हालेलुया।